रोल बोलिए। नमस्ते, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और मैं इस फिल्म में आइटम सॉन्ग कर रही हूँ और जो कि आपके सामने कुछ स्पेशल और तड़का भड़का लेके आऊंगी। बाकी आप तो पूछिए। बहुत सारे फिल्मों में कैमरे के बहुत सारे फिल्मों में आइटम सॉन्ग होती है, बहुत सारे हिट भी हुए, लोग आज भी वो आइटम सॉन्ग की तारीफ करें। इसमें आपने अलग सा क्या आइटम दिया है? हर आर्टिस्ट में एक वेरिएशन होता है, सब में वैरायटीज होता है। मैंने अपने परफॉर्मेंस से एक न्यू टाइप का आइटम सॉन्ग देने की कोशिश की है। थोड़ा हॉटनेस है, थोड़ा सेक्सी अदा है और डिसेंसी भी है। और आप बाकी सब बता दोगे तो आप लोग देखेंगे कैसे, तो वेट कीजिए। जरा पूछ लेना, जरा मैं एक तक कितना मराठी फिल्म में मराठी गाना होगा तो कितना लिपसिंग में तकलीफ हुई आपको? देखिए, एक आर्टिस्ट को उतनी तकलीफ नहीं होती, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट मैं ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में, मुझे 20 साल हो चुके हैं, मेरा स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से हुआ है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप हमेशा भोजपुरी के लिए आइटम सॉन्ग करते रहे, तो मराठी में और भोजपुरी में डिफरेंस कितना लगा? किस तरह आप दोनों क्या किस तरह लेवल समझते हैं? पहली बात तो लैंग्वेज डिफरेंस है और लेवल डेफिनेटली काफ़ी हाई है, बिकॉज महाराष्ट्र में लाइक सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर टेक्नीशियन, ही बहुत स्ट्रांग रहते हैं और सब स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र में स्टडीज़ किया, तो मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह एक स्टेज दिया जाता है जो महाराष्ट्रन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।